हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम बहुत ही अलग से डिजाइन का बहुत ही सुंदर सा पायदान बनाएंगे। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, आप इसे पूजा मैट में भी यूज कर सकते हैं, पूजा आसन में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊन से बनाएं तो आप इसे टेबल मैट में भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही सुंदर सा बनने वाला है। आपके पास मैंने ये पुरानी चुन्नी ले ली है, उसकी एक एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टे काट लिए हैं। इसे देखिए, आप जो भी कलर में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए हम इसमें फंदे डालेंगे। पहले हम इस तरह से एक नोट बनाएंगे। ये हमने नोट बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए हमने यहाँ पर 20 फंदे डाल लिए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 फंदे डाल लिए हैं। 20 फंदे डालने के बाद देखिए, हम फर्स्ट रो बिल्कुल सादा रो लगाएंगे, उल्टा उल्टा इस तरह से। देखिए इस तरह से इसे टाइट करते जाएंगे। जब हम इस तरह के फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो थोड़ा सा आराम से निकालते हैं। देखिए पूरी रो उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये देखिए, थोड़ा सा आराम से इस रो को निकालना पड़ता है, वरना हमारे देखिए यहाँ पर फंदे लूज हो जाएंगे और बीच में गैप आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमने फंदे डाले और इस पट्टे को साथ में इस तरह से दबा लेंगे। ये देखिए, इधर से भी हम इस रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, पट्टे को अपनी तरफ ले लेंगे और देखिए पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। और देखिए, जब ये चुन्नी की कटिंग की थी तो उस वक्त हमने इसमें गांठ नहीं लगाई थी, तो इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे ऐसे। देखिए बिना गांठ लगाए चुन्नी की कटिंग करना मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, दोनों साइड से हमें एक एक रो उल्टा निकाल लेनी है। ये देखिए एक रो इधर से और एक रो इधर से, मैंने दोनों साइड से एक एक रो निकाल ली है ऐसे। ये देखिए, अब देखिए हमें क्या करना है। देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे ऐसे। पट्टी को अपने तरफ लिया, एक फंदा हमारा देखिए ये बन गया, 2, 3, 4 चार फंदे बनाए और पांचवें फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना और इस पट्टी को पीछे ले लेंगे। अब देखिए
यहाँ पर देखिए फिर से हमें इस फंदे को, इधर से भी हमें इस फंदे को उतारना है, बनाना नहीं है। और देखिए चार फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ये देखिए। फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, दो तीन चार, और ये पांचवा फंदा जो हमने बगैर बुना उतारा था, अब की बार हम इस फंदे को भी बना लेंगे और एक फंदा आगे से बना लेंगे इस तरह से। और ये जो सातवां फंदा है इस फंदे को फिर से उतारेंगे, पट्टी को पीछे की साइड ले लेंगे। इस फंदे को हमें बनाना नहीं है, बगैर बुना उतार लेंगे। इस साइड से भी हम इसे बगैर बुना उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, और बाकी फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे। फिर से देखिए यहाँ पर इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, जो सातवां फंदा हमने छोड़ा था उस फंदे को भी अब की बार हम बना लेंगे, एक फंदा आगे से बना लेंगे और इस फंदे को, नौवें फंदे को उतार लेंगे और पट्टी को पीछे ले लेंगे। यहाँ पर इस फंदे को देखिए बगैर बुना उतार लेंगे, इस साइड से भी, दोनों साइड से इस फंदे को बगैर बुना ही उतारना है, बनाना नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरे रो उल्टा उल्टा बना लेंगे, जो फंदे हमारे हैं इस तरह से उल्टा बनाए ऐसे। और देखिए फिर से इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ फंदे हमने बनाए थे इस तरह से, जो नौवां फंदा छोड़ा था उस फंदे को भी अब की बार हमने बना लिया है। और बाकी जो ये 11 फंदे हमने छोड़े हैं, इन फंदों को भी देखिए हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब की बार हमें इन सभी फंदों को बना लेना है इस तरह से, देखिए इस पट्टी को साथ में ऐसे दबा लेंगे। और देखिए इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए बनाएंगे इस फंदे को ऐसे। अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे ऐसे, उतारा और पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे इस तरह से, इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और अपनी तरफ ले लेंगे, देखिए ऐसे। एक फंदा, दो तीन चार, चार फंदे बनाए, पांचवें फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे और पट्टी को पीछे ले लेंगे ऐसे। अब की बार फिर से इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और जो चार फंदे बनाए थे उन फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिन्हें पायदान बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी इस पायदान को अच्छे से बना लेंगे, और बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल अलग तरीके का बन के आएगा। देखिए तीन चार, और जो पांचवा फंदा बगैर बिना छोड़ा था उस फंदे को भी बना लेंगे, एक फंदा आगे से ले लेंगे ऐसे, और सातवें फंदे को बगैर बिना उतार लेंगे, पट्टी को पीछे ले लेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। इस साइड से भी हमें इसे बनाना नहीं है, ऐसे ही बगैर बिना उतारना है और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतारा, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, दो तीन चार पाँच छ, और सातवां फंदा जो बगैर बुना उतारा था उस फंदे को भी अब की बार हम बना लेंगे, एक फंदा आगे से बना लेंगे आठवां फंदा, और यहाँ पर नौवें फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे, पट्टी को पीछे ले लेंगे। फिर से इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए उल्टी रो बना लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब देखिए क्या करना है,
इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे। ऐसे पट्टी को लिया और देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 फंदे, ये जो 9वां फंदा बगैर बुना उतारा था उसे भी बना लेंगे। और फिर से देखिए इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए ऐसे इस तरह से देखिए बन के आएगा ये हमारा ऐसे। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो देखिए फिर से क्या करना है, इस फंदे को उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, 2, 3, 4 फंदे बनाए और पांचवा फंदा बगैर बुना उतार लिया, पट्टी को पीछे ले लेंगे और वापस से इसे पलट जाएंगे। इस फंदे को फिर से बगैर बुना उतारना है, बनाना नहीं है। और ये देखिए 4 फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए फिर से इस फंदे को उतारेंगे आगे वाले को और पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे और इस पट्टी को देखिए साथ में फोल्ड करते हुए जाएंगे ऐसे, ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ बन के आए। और 2, 3, 4 चार और जो पांचवा फंदा बगैर बुना उतारा था उस फंदे को भी बना लेंगे, एक फंदा आगे से बना लेंगे। 6 फंदे बनाए और 7वां फंदा बगैर बुना उतार लिया और पट्टी को पीछे ले लेंगे, वापिस से इसे पलट जाएंगे। इस साइड से भी इस फंदे को उतारना है, बनाना नहीं है। देखिए बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां फंदा जो बगैर बुना उतारा था उस फंदे को भी बना लेंगे, एक फंदा आगे से ले लेंगे। 8 फंदे बनाए और 9वें फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे, पट्टी को पीछे करेंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को इस साइड से भी बगैर बुना ही उतारना है। और देखिए बाकी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। इस तरह से बनाएंगे। देखिए फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वें फंदे को भी अब की बार हम बना लेंगे। और देखिए जो पीछे के हमारे 11 फंदे हैं उन फंदों को भी उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाएंगे, पूरी रो उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 चार फंदे बनाए, पांचवें फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, पट्टी को पीछे ले लेंगे, वापिस से इसे पलट जाएंगे। इस फंदे को देखिए बगैर बुना ही उतारेंगे साइड से भी और चार फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे और यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5वां फंदा जो बगैर बुना उतारा था उस फंदे को बना लेंगे, एक फंदा उससे आगे से लेकर बना लेंगे। 6 फंदे बना लिए, 7वें फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और पट्टी को पीछे की साइड ले लेंगे। इस फंदे को इस बार भी हमें उल्टी सिलाई में भी बगैर बुना ही उतारना है। और यहाँ पर देखिए
जो फंदे बाकी हैं इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को आगे ले लेंगे, ये देखिए 3, 4, 5, इस पट्टी को देखिए साथ में इस तरह से लपेट लेंगे और जो 6, 7वां फंदा जो भी गैर बुना उतारा था उस फंदे को भी बना लेंगे, एक फंदा आगे से बना लेंगे इस तरह से। 8वां फंदा बनाया और 9वें फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे। पट्टी को पीछे की साइड लेंगे, इधर से भी इस फंदे को बगैर बुना ही उतारना है और पूरे फंदे जो हैं उन्हें उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए अब की बार देखिए हमें क्या करना है, इस फंदे को उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां फंदा जो बगैर बुना उतारा था उस फंदे को भी बना लेंगे और लास्ट तक अब की बार हमें पूरी रो उल्टा उल्टा बनानी है, जो 11 फंदे छोड़े थे उन फंदों को भी उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए एक बार हमें इस डिजाइन को इधर से जब हम सभी फंदे उतारेंगे तब इनको सभी को बनाना है जब यहाँ पर 9 फंदे हम कर लेंगे, और एक बार जब हम इधर से बनाएंगे तो दोनों साइड से इसी तरह से बनाते हुए हम इसे बनाएंगे। देखिए तो चलिए थोड़ा सा बनाने के बाद फिर से एक बार आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमने इतना बना लिया है एक कलर से, अब हम यहाँ पर सेकंड कलर लगाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से फोल्ड होता चला जाएगा, ये इस तरह का डिजाइन है, जब हम इसे पूरा बना लेंगे तो इस तरह से हमारा मैट बन के आएगा। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए अब यहाँ पर आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं सिंगल कलर से, लेकिन मैं इसे यहाँ पर कलरफुल बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें देखिए एक बार मैं फिर से आपको इस कलर में बताती हूँ। यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतारा, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, 2, 3, 4 फंदे बनाए और 5वें फंदे को उतार लिया, पट्टी को पीछे करेंगे और इस साइड से भी इसे उतार लेंगे, बनाना नहीं है इस 5वें फंदे को, और देखिए इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर से इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे और देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बनाए और 7वें फंदे को उसी तरह से उतार लेंगे इस तरह से। देखिए अब फिर से हम दो ये इस साइड से हमें सभी फंदे उतार लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर हम उल्टी साइड आ गए हैं और उल्टी साइड हम अब कलर चेंज करेंगे, तो उसके लिए देखिए ये पट्टी जो है हमारी इस पट्टी के बीच में इस पिंक वाली पट्टी को लगा लेंगे। आपके पास जो भी कलर है आप वही कलर लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर इस फंदे को देखिए उतारेंगे और पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पर देखिए 2, 3 और ये 4 और 5वें फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे। देखिए इस तरह से इस साइड से भी बगैर बुना उतारेंगे ऐसे। देखिए फिर से इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ कर लेंगे,
दो तीन चार पांच फंदे बनाए, एक फंदा आगे से बना लेंगे, छह और सातवें फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, पट्टी को पीछे ले लेंगे और देखिए इस फंदे को इस बार भी हमें उल्टी सिलाई में भी बगैर बुना उतारना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए फिर से देखिए इस फंदे को बगैर बुना उतारेंगे। बनाने का पैटर्न सेम रहेगा, आप जो भी कलर लगाना चाहें, जितना भी बड़ा बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। देखिए दो चार पांच छः और जो सातवां फंदा छोड़ा था बगैर बुना उसे भी बना लेंगे, सात, एक फंदा आगे से बना लेंगे, आठ और नौवे फंदे को फिर से बगैर बुना उतार लेंगे और पट्टी को पीछे ले लेंगे। ये देखिए इस साइड से भी हमेशा बगैर बुना ही उतार लेना है और बाकी के फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए आप इसमें इस तरह बनाते हुए जितना मर्जी बड़ा इसे बना सकते हैं, जितने मर्जी कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। देखिए ये बनने के बाद हमारा कुछ देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसे बनाएंगे। देखिए इस तरह से बन के आएगा हमारा ये ऐसे। तो देखिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे ऐसे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौवां फंदा बना लिया और पूरी रो बना लेंगे उल्टा उल्टा। जब हम नौवां फंदा बनाएंगे तो हमें इस पूरी रो को सभी फंदों को बना लेना है पूरी रो बनाते वक्त। इस तरह से देखिए लास्ट तक हम सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए फिर से देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, दो तीन चार और पांचवा फंदा बगैर बुना उतार लेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे। देखिए इस फंदे को फिर से उतार लेंगे, सिलाई में भी इसे बनाना नहीं है, उतार ही लेना है और यहाँ पर देखिए इस पट्टी को साथ में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड किया और सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे बनाई पूरी, यहाँ पर देखिए इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, दो तीन चार पांच और एक फंदा आगे से बुन लेंगे और छह फंदे बनाए और सातवां फंदा बगैर बुना उतार लेंगे। वापिस यहीं से पलट जाएंगे, इस फंदे को इस सिलाई में भी हमें उतारना है, बनाना नहीं है और देखे लास्ट तक पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर इस फंदे को उतारेंगे, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे। देखिए इस तरह उतारने से ये हमारी किनारी जो है प्रॉपर इस तरीके से फिनिशिंग के साथ बन के आएगी। तो देखिए दो तीन चार पाँच छः
और जो सातवां फंदा बगैर बुना उतारा था उसे भी बना लेंगे, सात एक फंदा आगे से बना लेंगे, आठ और नौवां फंदा फिर से उतार लेंगे बगैर बुना। वापस से इसे पलट जाएंगे और इधर से भी इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे और बाकी सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें इस पूरे मैट को कंप्लीट करना है। देखिए उतारेंगे फंदे को, पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौवां फंदा भी बनाएंगे और पूरी रो लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक बार हमें जो डिजाइन बना रहे हैं वो इस साइड से बनाना है, एक बार इस साइड से बनाना है। जब हम नौवां फंदा बगैर बुना उतारेंगे अगली रो में उसे बनाकर पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है लास्ट तक। इसी तरह से इस पूरे मैट को बनाएंगे, जितना भी बड़ा आप बनाना चाहें, जितने कलर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा। तो चलिए देखिए मैं इसे थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बन के आएगा। देखिए ये इस तरह से फोल्ड होता हुआ जाएगा, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ तो, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाने के बाद आपको फिर से दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बनता हुआ आएगा, इस तरह से बनके, और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए वैसे तो ये अपने आप भी फोल्ड हो जाता है, लेकिन इसे थोड़ा सा हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये अच्छी तरह से और अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसे ऐसे पकड़ा और इस तरह से घुमा देंगे। देखिए फिर इसे इस तरह से गोल बना देंगे, ऐसे गोल बनाया इस तरह से, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा देखिए हमारा बन के आएगा। इस तरह से गोल घुमाया और देखिए बहुत ही इजी तरीका है इसे सिलने का। हम सुई धागे से इसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक टांका लगाते हुए सिल देंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा बन के आएगा। आप इसमें जितने भी कलर लगाना चाहे, जितना भी बड़ा बनाना चाहे, आप इसे बना सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना और बहुत ही सुंदर सा हमारा बन के आएगा। इसे सिर्फ ऐसे गोल गोल घुमा के इस तरह से और इस तरह से चौड़ा करते हुए देखिए ऐसे और ऐसे बना लेंगे। फिर हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। ऐसे देखिए ये देखिए इस तरह से हमारा जो ये डिजाइन है ना, ये इस तरह से बन के आ जाएगा और इसे आप गोल गोल इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा सिल के। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप टांका लगाएंगे, यहाँ से ले लेंगे कहीं से भी उठा लेंगे और यहाँ से ऐसे ले लेंगे। देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा टांका लगाते हुए हम इसे सिल देंगे। देखिए एक बार यहाँ से उठाया ऐसे, फिर यहाँ से उठाया ऐसे, देखिए ऐसे, फिर यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाएंगे और फिर देखिए ऐसे कहीं से भी उठा लें आप, इस तरह से उठाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए फिर यहाँ से उठाएंगे,
आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इसको देखिए ऐसे लिया, यहाँ से लास्ट तक निकाल लेंगे, यहाँ तक ऐसे निकालते हुए जाएंगे, देखिए ऐसे, ऐसे लिया, ऐसे ले लेंगे गोल घुमा के और यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे इसे। देखिए जितना बड़ा बनाएं आप उसी हिसाब से बना के मैं आपको सील के दिखा रही हूँ कि आप जितना बड़ा बनाना चाहे बनाकर इस तरह से आपको सिलाई करनी है इसकी। देखिए इस तरह से प्रॉपर तरीके से आप इसे इस तरह से सील लेंगे। देखिए जितना भी बड़ा बनाना चाहे ये आप उतना ही बड़ा इसे बना सकते हैं, जितने कलर लगाना चाहे कलर लगा सकते हैं। बनाने में बहुत ही इजी है ये और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर। देखिए इस तरह से बन के आएगा, इसे आप दोनों साइड से डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से जो ये है हमारी, इस तरह से देखिए फ्रिल से बन के आ जाएंगी ऐसे ऐसे। आप इसे इस साइड से भी बिछा सकते हैं और इस साइड से, दोनों साइड से इसे आप बिछा सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा बन के आया है।